बच्चों जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है बोरवेल रिचार्ज वर्क इन जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा। कहते हैं पानी का मूल्य पहचानिए, पानी जीवन है। पानी को प्राप्त करने के लिए पीने का पानी हो करते हैं, उसमें से एक है बोरवेल खोदना। अक्सर क्या होता है, जब हम बोरवेल खोदते हैं कई बार पानी लग अगर हम हमारी सोच बदलें कि ये जो है नए नए बोरवेल नई नई जगह पे खुदवाने की बजाय और नए नए जगह से भूगर्भ से पानी निकालने के बजाय हम उसी बोरवेल को अगर वर्षा के जल से रिचार्ज करवाएं तो क्या होगा, ज़मीन की लेवल जो है पानी की वो भी बढ़ेगी, ज़मीन की रिचार्ज हो जाएगी और पानी की जो है मात्रा ज़मीन में बढ़ जाएगी और वो रिचार्ज वाटर जो है हमें वर्ष भर काम देगा। ऐसा ही एक प्रयास जो है हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव में किया है। JNV शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा इज ए रेसिडेंशियल को एजुकेशनल CBSE इंस्टीट्यूट स्प्रेड ऑन 32 एकर्स ऑफ लैंड सिचुएटेड ऑन शेगांव खामगांव स्टेट हाईवे। हमारा नवोदय जो है 32 एकड़ जगह पर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस विद्यालय फ्रॉम 1986 द विद्यालय हैव नो परमानेंट वाटर सोर्स इन द कैंपस। हमारे यहाँ 1986 से ही पानी जो था बिल्कुल ही नहीं था। सो टू रीच द अल्टरनेट वाटर सोर्स इन द विद्यालय कैंपस वन बोरवेल वॉज डग इन डिसम्बर 2018 नियर द मेस अप टू द डेप्थ ऑफ 680 फीट। यानी हमने 680 फीट का एक बोरवेल खुदवाया मेस के पास। व्हाट वाज द रिजल्ट, इट वाज फाउंड ड्राई, सूखा निकला। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे कैंपस में पानी नहीं था, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लॉट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क वाज इनिशिएटेड इन द स्कूल कैंपस विद द हेल्प ऑफ भारतीय जैन संगठन। तो भारतीय जैन संगठन के सहयोग से हम लोगों ने काफ़ी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का वर्क हमारे स्कूल में किया, उसमें से ही एक है बोरवेल रिचार्ज। तो देखिए ये जो है हमारा बोरवेल, हम लोग देखते हैं ये हमारा बोरवेल है, मेस के पास में है। और ये बोरवेल जब हम लोग ने खुदवाया था 680 फीट तो ड्राई निकल गया था, दिसंबर में खुदवाया था ड्राई था। तो अप्रैल में इसी बोर पे हम लोगों ने बोरवेल जो है रिचार्ज प्रोसेस की। द बोरवेल नियर मेस हैविंग 680 फीट फाउंड कंप्लीटली ड्राई, सो दिस बोर वॉज कंसिडर फॉर रिचार्ज वर्क। इट इज़ बेटर ऑप्शन टू गेट द परमानेंट वाटर सोर्स। यानी अगर हम बोरवेल को रिचार्ज करते हैं तो वो परमानेंट वाटर सोर्स मिलने का एक अच्छा साधन हो सकता है। अब हमने ये बोर जो है क्यों चुना, उसके पीछे भी एक कारण था। उसमें पहला कारण था, दिस बोरवेल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द स्लोपी एरिया। बिकॉज ऑफ दिस स्लोप ऑल द सरफेस रन ऑफ वाटर ऑफ रेसिडेंस कैंपस एरियाज कलेक्टेड अराउंड द बोर। ये जो बोर था मेस के पास वाला, ये है बिल्कुल स्लोप पे, किनारे एकदम स्लोप पे था। और होता क्या है, जो हमारा रेसिडेंस एरिया है वहाँ से जो बहकर आने वाला पूरे कैंपस का पानी है वो वहाँ पे जमा होता है। तो जमा होने की वजह से अगर हम उसका उपयोग कर सकते हैं रिचार्ज बोरवेल रिचार्ज के लिए तो हमें उपयोगी पड़ेगा, अन्यथा वो क्या होता है कैंपस के बाहर कंपाउंड वॉल से बाहर चला जाता है। तो हम लोग ने उसे वहाँ पर जमा करने का निश्चय किया ताकि हम बोरवेल रिचार्ज कर सकें। और दूसरा एक कारण क्या था कि दिस बोरवेल इज़ वेरी नियर टू द मेस, सो बॉयज साइड ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग वाटर टैंक वेस्ट वाटर कलेक्टेड इन द बोरवेल थ्रू ड्रेनेज लाइन। इट हेल्प्स टू हार्वेस्ट 4000 to 5000 लीटर वाटर डेली। यानी ये मेस के पास में था
और मेस के पास हॉस्टल भी है, तो बच्चे जो है मेस में 3 वक्त जाते हैं खाना खाने, एक बार नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। जब जाते हैं हाथ धोते हैं, प्लेट धोते हैं, जो वेस्ट वाटर था वो हम लोगों ने कहाँ पे ड्रेनेज लाइन बना के ये बोरवेल में पहुँचाया, ताकि ये जो है वर्ष भर पानी का एक परमानेंट सोर्स जो है बोरवेल को मिले, और रोज़ लगभग वहाँ से 4,000 से 5,000 लीटर जो है पानी निकलता है, जो कि हम लोग वहाँ पे उस बोरवेल में जो है रिचार्ज करने के लिए छोड़ते हैं। अब देखिए ये बोरवेल की पोजीशन देखिए, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो है बॉयस का जो वॉशिंग एरिया है जो है वहाँ से देखिए, ये नाली दिख रही है, इस नाली के द्वारा ये पानी जो है ये बोरवेल में आता है। हम लोगों ने इसमें क्या किया, 2 जगह जो है ना आयरन की जाली बिठवाई है, ये 2 जगह दिख रही है, ये आयरन की जालियां हैं। इसका काम क्या है, यहाँ से बच्चे जो भी प्लेट धोने के बाद वेस्ट वगैरह होता है, तो ये पहली ये नाली है, यहाँ पे रोक देते हैं उसे वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट। दूसरा जो बच के आता है वो यहाँ रुक जाता है, ताकि सिर्फ फिल्टर वाटर जो है ये इस लाइन के थ्रू बोरवेल में जाए। तो ये हमारा कैंपस देख रहे हैं आप, बिल्कुल यहीं पे हमारा ये बोरवेल है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, एन ओपन वेल ऑफ मैनेजेबल साइज अप टू 8 फीट डीप एंड 6 फीट डायमीटर इज डग अराउंड द बोरवेल केसिंग पाइप। इसको मैं अगली स्लाइड में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, अभी आप इस पॉइंट को देख लेते हैं। द केसिंग पाइप परफोरेटेड विथ ड्रिल मशीन टू मेक 3 mm to 5 mm साइज होल अराउंड दी पाइप। हमने क्या करना है, केसिन पाइप में होल गिराने हैं 3 से 5 mm। द पाइप इज कवर्ड बाय नायलन नेट टाइड विथ एल्यूमिनियम वायर टू अलाउ द वाटर इन बट नॉट द डर्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। दिस वेल इज नाउ फिल्ड विथ नेचुरल फिल्टरिंग मटेरियल लाइक सैंड, ग्रेवल, स्टोन। तो इसके बाद जो है हमने ये जो वेल जो हमने 8 फीट खोदी है, इसको हमने नेचुरल फिल्टरिंग मटेरियल लाइक सैंड, ग्रेवल, स्टोन इससे भर कर वो जो खोदा हुआ है उसे भरना है। अब कैसे भरना है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, और उसको फिर नायलन नेट से कवर करना है। देन द वाटर इज डाइवर्टेड इनटू द वेल, इट गेट्स फिल्टर एंड सीप्स इनटू द बोरवेल फॉर रीफिलिंग द बोरवेल। अब ये देखिए ये एक डायग्राम है जो हम लोगों ने ये मेथड जो है हमारे बोरवेल रिचार्ज के लिए फॉलो किया था। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये 8 फीट उसका डेप्थ है, ये 6 फीट वाइड, ये ऐसी बोरवेल है। ये जो है केसिन पाइप आप देख रहे हैं, हाँ, इसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस पर 3 mm से 5 mm जो है होल जो है गिराए इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन से पूरे चारों तरफ पाइप के। उसके बाद इस पाइप पे हम लोगों ने क्या किया, एक नायलॉन नेट जो है एल्यूमिनियम वायर के सहायता से बांध दी। अब क्यों बांधा, ताकि ये जो है नायलॉन नेट नीचे ना सरके। अब ये नायलॉन नेट का उपयोग क्या है, जो भी पानी जो है फिल्टर होके, जो नेचुरल फिल्टर मटेरियल है ये फिल्टर होके अगर आए तो और एक बार जो है नायलॉन की जो जाली है उससे थोड़ा जो भी कचरा वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो अंदर ना जाए, सिर्फ पानी जो है अंदर जाए, ताकि जो है हमारे यहाँ जो बोरवेल के अंदर जो पानी रहेगा वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर हम ये नेचुरल फिल्टर मटेरियल वगैरह वापरेंगे तो क्या होगा, जो वर्षा का जो रन ऑफ वाटर आएगा बहते हुए वो कैसा है, पॉल्यूटेड वाटर है। अगर उसे हम ये फिल्टर मटेरियल नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे तो क्या होगा, ये बोरवेल का जो पानी है वो जो है पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा, यानी जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा और पीने के उपयोग में नहीं आएगा। तो अब इस 8 फीट को हमने कैसे भरा, सबसे पहले जो है नीचे जो 2 फीट लेयर थी उसको हम लोगों ने ये बड़े बड़े बोल्डरों से भरा। ये देख रहे हैं आप 2 फीट ये लेयर है बड़े बड़े बोल्डरों से। उसके बाद उन बोल्डरों पे हमने क्या किया, 1 फीट जो है ब्रिक्स के जो टुकड़े थे वो भरे 1 फीट। उसके बाद हमने फिर 1 फीट जो है 40 mm जाली स्टोन जो है जेली स्टोन भरे, यानी थोड़ा सा ये गिट्टी, बड़ी गिट्टी जो रहती ना सर्वसाधारण, वो हमने भरी। उसके बाद फिर 1 फीट हमने क्या भरा,
20 mm जेली स्टोन, यानी जो बारीक बारीक खड़ी थी वो भरी, और उसके ऊपर क्या किया हम लोग ने, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नायलॉन नेट जो है वो चारों तरफ जो है बिछा दी, हाँ, और उस नायलॉन नेट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये कोर्स सैंड डाला ताकि जो है पानी जो है ये फिल्टर होते होते नीचे आए। अब ये देखा आपने, यहाँ पे आपको दिख रहा है परफोरेटेड होल, हाँ, नायलॉन नेट इस पे बांधी हुई है केसिन पाइप पे, एक नायलॉन नेट जो है ये जो है जेली स्टोन के ऊपर भी रखी हुई है। इस सब का उद्देश्य एक ही है कि जो पानी जो है शुद्ध होके अंदर जाए। अब देखिए ये बोरवेल के आसपास में हमने क्या हुआ है कि दो फॉर्म पॉन्ड बनवाए हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जब वो एक ये बनाया है और दूसरा ये है, आपने ये दोनों देखा, ये दोनों बोरवेल के लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाया है। हमारे यहाँ के कैंपस का जब पानी बह के आता है बहुत ज़ोरों से आता है, तो जो एक्सेस वाटर है ये कहाँ कलेक्ट होगा, फार्म पॉन्ड में, और धीरे धीरे यहाँ से भी ज़मीन के अंदर वो परकोलेट होगा, और जब एक्सेस वाटर है ये बोरवेल का वो इधर भी जाएगा, हाँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो ये फार्म पॉन्ड से जो है अपन बोरवेल के तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये दो हम लोगों ने फार्म पॉन्ड जो है बोरवेल के आसपास में खुदवाए। अब देखिए हमारे पूरे स्टाफ मेंबर जो लोग वो इसकी प्लानिंग करते हुए, ये वही बोरवेल है जिसके हम लोग ने बोरवेल को रिचार्ज किया। अब ये देखिए JCP, ये हमारा बोरवेल दिख रहा है आपको, हाँ, ये बोरवेल है, JCP लगा के इसके चारों तरफ से हम लोगों ने खुदाई शुरू की। अब खुदाई करने के बाद का दृश्य देखिए, ये आप देख रहे हैं ये 8 फीट जो है हम लोगों ने डेप्थ खुदवाई है, और लगभग ये 6 फीट जो है वाइड जो है ये खुदवाया हुआ है, हाँ, ये खुदवाने के बाद का सीन। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, आपने देखा था, मैंने बताया आपको, हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन से होल पड़ गिराए, उसके ऊपर जो है फिर हम लोगों ने क्या बांधी, नायलॉन नेट, उसको एल्यूमिनियम वायर से टाइट किया, बांधा। अब इस तरह से जो है हम लोगों ने भरते भरते, ये मैंने किस ढंग से भरा है वो तो आपको पहले ही बता दिया, हाँ, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे भरा भी है। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये नायलॉन नेट देख रहे हैं, इसको हम लोगों को बांधी हुई एल्यूमिनियम तार से, ये देख रहे हैं आप, हाँ, अब ये देखिए ये भरते भरते ऊपर तक लाए हैं, छोटी छोटी जो 20 mm जेली है ना, ये वो लेयर है, ये भरने के बाद जो है इस ढंग से है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या बिछाएंगे, नायलॉन नेट, उसके ऊपर कोर्स सैंड डालेंगे। ये देखिए बरसात में क्या हुआ, ये देखिए पानी जो है बहते हुए आया और कहाँ जमा हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं ये बोरवेल के आसपास जमा हुआ है, कुछ वाटर जो है इस साइड में और इस साइड में फार्म पॉन्ड बनाए हैं उसमें भी जमा हो रहा है, और धीरे धीरे जो है बोरवेल के अंदर वो फिल्टर होके जाएगा। ये देखिए ये फार्म पॉन्ड मैंने बताया ना आपको दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ये देखिए फार्म पॉन्ड कैसे भरा हुआ है, ये देखिए दूसरा फार्म पॉन्ड कैसा भरा हुआ है पानी से। अब ये जो है ये वीडियो स्लाइड है, मैं इसको चलाऊंगा ताकि जो है आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये कैसे हमारा बोरवेल जो है ये रिचार्ज वर्क कर रहा है। देखिए ये हमारा बोरवेल है, पूरा बरसात में देखिए कैसा जो है ये बरसात में पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरे कैंपस का जो पानी है ये इसमें जमा हो रहा है, ये आप देखिए, हाँ, ये जो मेस के बाजू से जो पानी की लाइन है उसके थ्रू पानी है ये बोरवेल में आ रहा है। देखिए बरसात की आवाज़ भी आप लोग सुन सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये एक फॉर्म है जहाँ पे हम लोगों ने ये पानी एक्सेस वाटर जो है जमा होने के लिए किया हुआ है,
और ये देखिए ये कैंपस का हमारा सामने का भाग देखिए, ये पूरा स्लोप होने की वजह से क्या हो रहा है, पानी इस तरफ आ रहा है, इस तरफ बोरवेल के तरफ। हाँ, और ये देखिए कैसा जोर 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 से नाली के थ्रू बोरवेल में जा रहा है, और बोरवेल जो है वो रिचार्ज हो रही है। ये देखिए मेस के साइड में और एक फॉर्म पॉन्ड है, ये भी जो है फुल पानी से भर चुका है। अब पानी की धार आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोग दो नाली ये जाली बिठाई हुई है, इसके वजह से सिर्फ पानी जो है नाली के थ्रू आ रहा है। तो आप लोग आवे देखिए, ये एक जाली दिख रही है आपको, ये एक है, एक जाली है, इसके वजह से सारा कचरा जो है वहीं अटक जाता है और सिर्फ पानी जो है अंदर आ रहा है। ये सामने कैंपस का भाग देखिए, बरसात का सारा पानी इस तरफ आ रहा है। तो ये इस तरह हम लोगों ने बोरवेल का रिचार्ज किया और लगभग ये सफल है हमारा प्रोजेक्ट। इससे ज़मीन में पानी की लेवल काफ़ी बढ़ गई है, कुएं में भी इसका असर हमारे यहाँ दिख रहा है। अरे देखिए कैसा जोरों से पानी बोरवेल की तरफ जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो आज की जो गरज है, पानी बचाओ पानी बढ़ाओ, ये हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।